हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि वृत्त से ही है कि आपको वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। लेकिन ये टाइप आपका अलग है, तो चलिए समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। तो यहाँ पे देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए तथा उसकी लंबाई नापिए। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए आपको करना क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो मैंने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। मान लीजिए आपका इसका केंद्र O है, 4 सेंटीमीटर का एक चाप लिया और ये आपका एक वृत्त खींच दिया, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दिया। आप इसको प्रकार से खींचेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट एक्चुअल मिलेगा, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने एक वृत्त खींच दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्री वृत्त खींचना है। संकेंद्री का मतलब क्या होता है, वो एक या एक से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, तो उसको हम बोलते हैं संकेंद्री वृत्त। तो यहां पे जो दूसरा वृत्त खींचना है उसका जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर होगा, बट केंद्र ओ ही रहेगा। तो आप यहां से 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए इधर, ये 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए, और अब आप बड़ा वाला चाप ले लीजिए जिसको आप बोल रहे हैं 6 सेंटीमीटर का, और आप एक दूसरा वृत्त खींचिए ताकि दोनों वृत्त आपके क्या रहे, संकेंद्री। तो इस तरीके से मैंने ये दूसरा वृत्त खींच दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये दूसरा वृत्त खींच दिया। अब आप यहां पे देखिए, ये पॉइंट आपका क्या है, ए, और इसको मैंने बोल दिया बी। अब आपको क्या करना है, किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करना है। अब आपको स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए आपको, मान लीजिए मुझे बी पॉइंट से स्पर्श रेखा खींचना है। कहां से खींचना है, बी पॉइंट से। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ओबी, ओबी आप देख रहे हैं, ओबी, ओबी इसको मैं समद्विभाजित करूंगा। तो ओबी को मैं क्या करूंगा, समद्विभाजित। तो समद्विभाजित करने का क्या रूल होता है, दो बराबर भागों में बांटना। तो उसके लिए आपको ओ से एक चाप लेना है जो आधे से अधिक हो और ऊपर और नीचे कट करना है। ऐसे ही बी से एक चाप लेना है, ऊपर और नीचे कट करना है। तो इस तरीके से आपका ये चाप मिलेगा आपको। तो अब आप इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, तो यहां पे ये एग्जैक्ट इस पॉइंट पे नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको इधर उधर आएगा। मैं आपको ये एग्जैक्ट भी बना के दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं ये इधर उधर कहीं पे आएगा। वो एक्चुअल में प्रकार से आप बनाएंगे तो एक्चुअल आएगा, ताकि आपको ये ना लगे कि यहाँ पे ये स्पर्श रेखा बन गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। अब देखिए, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, सी। अब आप क्या करिए, अब आपका क्या हुआ, ये समद्विभाजित हो गया, मतलब ओ सी और सी बी दोनों बराबर हो गए। मतलब ओ सी प्लस सी बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के बराबर हो जाएगा। और आप क्या करिए, सी को केंद्र मानिए और ओसी त्रिज्या लीजिए, सी को केंद्र मानिए और ओसी त्रिज्या लीजिए, और एक दूसरा वृत्त खींचिए, एक और वृत्त खींचिए जो कि आपका इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये वृत्त इसको जहां जहां कट कर रहा है वो पॉइंट मैंने डी ले लिया और एक ई ले लिया, ठीक। और इसके बाद मैंने क्या किया, बी को डी से मिला दिया और बी को ई से मिला दिया। ये अब आपकी जो है बी डी और बी ई स्पर्श रेखा होगी। इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे बी डी और बी ई आपकी स्पर्श रेखा होंगी। तो इसको मैं सिद्ध करके आपको बता रहा हूं। स्पर्श रेखा, कोई भी वृत्त की स्पर्श रेखा के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए। यदि कोई भी वृत्त है और यदि आप इस पे स्पर्श रेखा खींचना चाह रहे हैं तो वो वृत्त के परिधि के किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरेगी और वो त्रिज्या के, त्रिज्या से उसका एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। यदि यहां पे आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो वृत्त के परिधि के किसी एक ही बिंदु से गुजरेगी और त्रिज्या से उसका एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे आप देखिए, ये त्रिज्या है आपकी, काले वाले सर्कल की ये त्रिज्या है, नहीं है, बताइए आप
ये त्रिज्या है, नहीं त्रिज्या है, आप देखिए ये, इसका एंगल आपको 90 डिग्री प्रूफ कर देना है। तो यदि त्रिज्या किसी रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए और वो रेखा वृत्त के किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरे, तो वो रेखा कौन सी हो जाएगी? स्पर्श रेखा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा आपका बना के दिखा देता हूं। तो आपको एक प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त का कोण, ये एंगल कितना है आपका 180, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण। कैसे? मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। कैसे? मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। एक आपने प्रमेय देखा होगा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। मतलब केंद्र पे जो कोण बनेगा वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा। तो इसको आप उल्टा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यदि ये 180 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? उसका आधा 90 डिग्री। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यही 90 डिग्री होगा। यदि आप यहां कोई परिधि लेके यहां पे कोण बनाओगे तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो परिधि के किसी भी बिंदु पर यदि आप कोण बनाते हो तो वो 90 डिग्री ही बनेगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये थ्योरम आपकी यहां से सिद्ध हो गई। तो यहां से ये कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। आप लिख सकते हो क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो जब ये 90 डिग्री हो गया, इसका साफ मतलब है कि ओडी जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रही है किससे? बीडी से। और जब ओडी 90 डिग्री का कोण बनाए तो बीडी आपकी क्या बन जाएगी? स्पर्श रेखा। ठीक वैसे ही यहां पे भी आप देख सकते हैं, ओई ओई आपका कितने डिग्री का कोण बनाएगी? बी से 90 डिग्री का। तो बी आपकी क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा। और यदि आप बी डी और बीई का मेजरमेंट लोगे तो ये 4.5 सेंटीमीटर के आसपास आएगी, बी डी और बीई। ठीक है, तो इसको आप एक्चुअल में यदि आप करोगे तो आपको ये 4.5 सेंटीमीटर मिलेगा। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और यदि इसमें आपको कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। धन्यवाद।